सचिव विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग श्री लोकेश कुमार सिंह जी। आज इस नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप है न्यूज फाउंडेशन पर। तेजस्वी यादव का आज 33वां जन्मदिन है। इस मौके पर तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अलग अंदाज में बधाई दी। दरअसल आज कई लोगों को सरकार जो है नियुक्ति पत्र बांट रही थी पटना के ज्ञान भवन में, और वहीं पर सीएम नीतीश कुमार जब अपना भाषण पूरा करके पहुंचे तो तेजस्वी यादव को गले लगा लिया। तेजस्वी यादव ने फिर सीएम नीतीश कुमार के पांव छू करके आशीर्वाद लिया। तो नीतीश कुमार ने जो हॉल में मौजूद लोग थे उन सभी लोगों को खड़ा होकर के तेजस्वी यादव को जन्मदिन की बधाई देने को कहा। पहले दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अनोखे अंदाज में उनके जन्मदिन की बधाई दी। और आइए धन्यवाद ज्ञापन हेतु हम अनुरोध करते हैं सचिव विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग श्री लोकेश कुमार सिंह जी। आज इस तो बताएं आपको कि तेजस्वी यादव का जन्मदिन है, सुबह से बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसके पहले जब तेजस्वी यादव पहुंचे थे कार्यक्रम स्थल पर तो वहां पर सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें जो है बधाई दी, और उसके बाद जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे तो पूरा जब भाषण खत्म हुआ उसके बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को एक अलग ही अंदाज में बधाई दी है। दरअसल मंच से तेजस्वी यादव को बधाई देते हुए नीतीश कुमार जो हैं उन्होंने वहां पे मौजूद लोगों से भी उनको बधाई देने के लिए कहा कि आज के दिन को बधाई देकर के तेजस्वी यादव जी के लिए खास बना दीजिए। छोड़ जाते हैं आपको वीडियो के साथ कि भाई से कम होना चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचन आपके मार्गदर्शन के लिए कोटिशः आभार, जोरदार तालियों से धन्यवाद दें हम सब। और आइए धन्यवाद ज्ञापन हेतु हम अनुरोध करते हैं सचिव विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग श्री लोकेश कुमार सिंह जी। आज इस ये सब है और आज तो मिल रहा, जल्दी से जल्दी भाई एक एक लोगों का मित्र, ज्यादा देर मत करिए। ऐसा नहीं लोगों को लगे कि कुछ लोगों को मिल गया हम लोगों को नहीं मिला, हम तो यही कहते रहते कि भाई जैसे कुछ को दिए सबको दे दीजिए। तो हमको कहे कि नहीं आप बोल दीजिएगा इसके बाद हम सबको दे देंगे, तो आपको तुरंत बाकी सब लोगों को दे देंगे। और सब लोग को बधाई है, खूब काम कीजिए और खूब आगे बढ़िए और सबको और विकसित करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोनों विभागों को बधाई देता हूँ और बाकी तेजी से काम करना है, लोगों की और बहाली तेजी से करवाने में अपना जरूर सक्रियता दिखाइएगा। हम तो बराबर समीक्षा करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि भाई सुधार तेजी से कराओ। तो अभी जो बोल रहे हो हमारे तेजस्वी जी, आप जानते ही है ना, करने ही वाले हैं, हिसाबे होने वाला है, आपको नजर आ जाएगा कि लाखों में हो जाएगा। और इन्हीं सबों के साथ आप सब लोगों को, लेकिन एक मेरा विनम्र आग्रह है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखिए। कुछ लोगों की रुचि रहती है आपस में झगड़ा कराओ, इधर से उधर करो, हिंदू मुस्लिम इधर उधर अलग अलग जातियों के बीच में झगड़ा कराओ। हम प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए जातियों धर्म का, ये जरूर लोगों को बताइए। एकजुट रहे लोग और प्रेम से रहे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो बहुत आगे बढ़िएगा, नहीं तो झगड़ा जब होगा तो जानते हैं ना विकास का काम ठप हो जाता है और कुछ होता भी तो उसका भी ख्याल नहीं। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं ना झगड़ा कम से कम करवाने में लगे हुए कि भाई से कम होना चाहिए। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचन आपके मार्गदर्शन के लिए कोटिशः आभार, जोरदार तालियों से धन्यवाद दें हम सब। और आइए धन्यवाद ज्ञापन हेतु हम अनुरोध करते हैं सचिव विज्ञान एवं प्राविधिकी विभाग श्री लोकेश कुमार सिंह जी। हाथ उठा के बधाई दे दो, खड़ा होकर दे दो बधाई।
आज इस